हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम क्या करने वाले हैं, 2015 का एमसीक्यू करने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि सबको मालूम है कोविड की वजह से काफ़ी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है, बट ये एक्सक्यूज़ हम लोग नहीं दे सकते हैं कि हमको पढ़ाया नहीं गया या हमारे टीचर्स क्लासेस नहीं चले। टीचर्स तो बैठे ही पढ़ाने के लिए। अब क्या कर सकते हैं, कोविड की वजह से बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, बट कुछ लोगों के कॉलेज खुल चुके हैं, वो जा सकते हैं। वो जो नहीं भी जा रहे हैं, बट आपको एग्ज़ाम तो देना है। एग्ज़ाम के टाइम में आपसे कोई नहीं पूछ पाएगा कि आपने क्यों नहीं अच्छे नंबर लाए या क्यों नहीं। आप अपने से पढ़िए, कोई भी दिक्कत होती है आप अपने दोस्तों से कंसल्ट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरे चैनल को तो आप फॉलो कर ही रहे हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि दिसंबर एंड तक हम 2015 से लेकर 2020 तक का सारे के सारे MCQ हो, चाहे MSQ हो, चाहे नेट हो। नेट तो ऑलरेडी अपलोड किया ही जा चुका है, तो उसको भी आप देखिए। उसमें जो प्रॉब्लम आपको समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों हुआ, ये स्टेप यहाँ से यहाँ क्यों जंप हो गया, उसके लिए भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल ID पड़ा ही हुआ है आपको, अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग को पढ़ना है। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने दोस्तों से कंसल्ट करिए, आपके खुद के टीचर्स कंसल्ट करिए। उसके बावजूद भी आपको दिक्कत हो रही है, आपको लगता है कि मैं शायद बता सकता हूँ, तो आप मुझे मेल करिए। बट आपको खुद इनिशिएट करना पड़ेगा, आपको खुद स्टेप लेना पड़ेगा, अपने से उठना पड़ेगा। कोई भी आके आपको नहीं कहेगा कि आपको पढ़ना है, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। आज पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, आने वाले टाइम में आप ही को फ़ायदा मिलेगा उसके। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। मेरा सिलेबस आपके पास है कि किस तरीके से आपको अपना स्टेप करना है, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे 3 महीने का हो, चाहे 6 महीने का। अभी तो 6 महीने का पॉसिबल नहीं है, 3 ही महीने का है अभी। सबसे पहले आपको जो स्ट्रेटेजी अपनी अपनानी पड़ेगी एग्जाम्स के लिए, वो क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए सारे के सारे सवाल जो आपको खुद आते हैं उसको आप लगाइए और उसमें देखिए कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं। बाकी कुछ होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी मेल कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा है 2015 का MCQ, जो कि 10 क्वेश्चन है, आज हम उसको सॉल्व करेंगे और पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी जल्दी सारे MCQ और MSQ को सॉल्व कर दिया जाए ताकि आपको एक पूर्ण मिले और आपको फायदा हो। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्फिडेंट लर्निंग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोन सैटेलाइट। नोन सैटेलाइट की बात हो रही है यहाँ पे। हमारे ऑप्शन से मरकरी, वीनस, यूरेनस एंड मार्स। तो पहले ऑप्शन में ये मैंने चार्ट लिया है, विकिपीडिया से उठाया। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सीक्वेंस में हमारा प्लैनेट है और नंबर ऑफ मून्स है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मरकरी वीनस तो जीरो है, तो हमारा मरकरी और वीनस ऑप्शन हट गया। और यहाँ पे आप मार्स देख रहे हैं, मार्स में हमारा दो है, तो ये मार्स हो गया। और यूरेनस में हमारा 27 है, तो हमारा ऑप्शन तो यूरेनस हो गया। बट यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा प्लैनेट जो है अभी सैटर्न के हैं और सैटर्न के पास नोन 59 है, उसके अलावा अलग है, तो फिर भी जुपिटर से थोड़ा कम है। बट अभी रिसेंट स्टडीज़ में ये साबित हुआ है, अगर आप देखेंगे कि ये आपका BBC की न्यूज़ थी 10/10/2019 की, अगर थोड़ा सा न्यूज़ भी देखते तो यहाँ पर पता चलता है कि सैटर्न ओवरटेक जुपिटर एज विद द मोस्ट मून प्लैनेट्स की तरह उसको ओवरकम कर गया। तो अभी सबसे ज़्यादा प्लैनेट सैटर्न के। और यहाँ पर मैंने कोशिश की कि अगर आपको याद करना हो, यहाँ पे न्यूमोनिक तो सबको मालूम है कि प्लैनेट्स के नाम याद करने के लिए हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए थे, माई बेरी एंड इट्स मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। तो उसी के तरफ पे मैंने यहाँ पे बनाया बनाने की कोशिश की है कि माई वेरी अनलेस मदर नेवर यूज जुपिटर स्कूटर। इससे आपको पता चलेगा जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपके मून्स हैं उनका है, जैसे माई वेरी अनलेस ये सब आपके इंक्रीज कर रहे, फिर उसके बाद आपका मरकरी है, फिर नेपच्यून है, फिर यूरेनस है, फिर जुपिटर और सैटर्न है। ये एक थोड़ी सी कोशिश है, अगर आपके पास और कोई बेहतर नहीं मैंने कहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं उसको अपने लेक्चर्स में और या अपने नोट्स में ऐड करूंगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Identify the mineral which has a specific gravity greater than 5, hardness less than 3 and gives a gray streak. आप सबको पता है ग्रे स्ट्रिक बहुत से मिनरल्स में होती है, बट जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 5 सबसे ज्यादा होती है वो किसमें होती है, यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं गैलिना। गैलिना एक ऐसा मिनरल है जिसकी स्पेसिफिकिटी बहुत ज्यादा होती है। आप एक छोटा सा पीस गैलिना का लेंगे या बहुत बड़ा सा पीस किसी और मेटल का लेंगे तो फिर भी गैलिना आपको भारी लगेगा। ये अगर आपने रामपुरा गुचा माइंस अगर आपने पर्सनली विजिट की हो, जो गैलिना का सैंपल भी आपने छुआ हो तो ये आपको फील दे देगा। जिन्होंने नहीं छुआ उनको निराश होने की जरूरत नहीं ना, गैलिना की स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होती है। हमारा ऑप्शन जो होगा वो गैलिना होगा। और यहाँ पे कुछ हमने चार्ट बना के रखे हैं जिसमें बेराइट, स्प्लेराइट, ग्रेफाइट जो हमारे ऑप्शन दिए थे उनके बारे में लिखा है, उनके स्ट्रिक के बारे में लिखा है। अगर आपको देखिए एक बार की करके कुछ भी याद नहीं होगा,
आप धीरे धीरे एक मिनरल को पकड़िए जो मेन मिनरल है, जिनको आप इकोनॉमिक मिनरल भी कहते हैं, पहले उनको याद करने की कोशिश करिए। जैसे ग्रेनाइट जो रॉक, मेन ग्रेनाइट रॉक है, उसमें जो मिनरल्स होते हैं आपके क्वार्ट्ज हो गया, फेल्डस्पार हो गया, इवन फेल्डस्पार की सीरीज हो गई, क्वार्ट्ज की सीरीज हो गई, और जो बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स होते हैं पहले उनको याद करिए। कम से कम 50 मिनरल का पहले आप एक लिस्ट बनाइए, उसके बारे में याद करने की कोशिश करिए। उसमें देखिए क्या क्या कॉम्बिनेशन सही है, क्या क्या आप एक साथ कर सकते हैं, किसकी स्टिक वाइट है, तो वो मिनरल्स को आप कर लीजिए। और कुछ प्रॉपर्टीज याद करने की जरूरत करिए, हर की याद नहीं करना। कलर जो होता है, कलर बहुत वेरिएशन में होता है, तो कलर उतना ज्यादा नहीं है, बट स्ट्रिक जो होती है आपकी स्ट्रिक सब कलर तो सेम होता है, बट स्ट्रिक कलर हो जाती है। तो इस तरह के मिनरल को ढूंढिए, उसको नोट डाउन करिए, उसको लिखिए, ऐसे करते करते 30-40 मिनट के भी अगर आपको याद हो गए तो आपके एग्जाम को कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं छूटेंगे। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, यूनिट विच इज सेमी परमेबल, मतलब यहाँ पे सेमी परमेबल बात कर रहा है कि परमेबल तो है मगर आधी परमेबल है, पूरी परमेबल नहीं है, एंड डज नॉट यील्ड एनी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ यील्ड, मतलब आपके पास पानी तो है, मतलब एक जो एक्वीफर है, जो वेल है, उसमें पानी तो है, बट उससे आप पानी निकाल नहीं सकते। वेल नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे एक लेयर है, जिसमें पानी तो है, पानी नहीं निकाल सकते। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज को याद कर लेते हैं तो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास नहीं छूटेगा। एक्वीक्लूड एक्वीफर एक्वीटार्ड एंड आर्टिशियन एक्वीफर, आर्टिशियन एक्वीफर यहाँ पे भूल जाते हैं, इसका कोई लेना देना नहीं यहाँ पे, हम सिर्फ यहाँ पे तीन एक्वीक्लूड एक्वीफर एक्वीटार्ड की बात करते हैं। एक्वीफर सबको मालूम है, जो हमारे वेल होते हैं वो एक्वीफर होते हैं, जिसमें पानी जा भी सकता है और निकाला भी जा सकता है, जिनकी यील्ड अच्छी होती है। एक्वीफर दो वर्ड से बना है, एक्वा मतलब वाटर, फेरी मतलब टू बियर, वाटर बियरिंग लेयर को हम एक्वीफर कहते हैं। अब एक क्या होता है कि जो अगर ये कन्फाइन होते हैं, इज अ वाटर बियरिंग लेयर सैंडविच बिटवीन टू लेयर्स विच आर मेड अप ऑफ मटेरियल मच लेस परमेबल, ये कन्फाइन एक्वीफर की परिभाषा हो गई। अब एक कन्फाइन एक्वीफर क्या होता है कि आर एसेंशियली इम्परमेबल दे नोन एज, अगर कन्फाइन एक्वीफर कन्फाइन लेयर्स जो होती है इम्परमेबल हो, तो वो जो एक्वीफर होता है वो उसको एक्वीक्लूड कहते हैं, कि उसमें से ऊपर नीचे पानी नहीं जा सकता है। बट एक्वीटार्ड में क्या होता है, एक्वीटार्ड में आपका पानी ऊपर से नीचे तो आता है, रह तो जाता है, इसीलिए यहाँ पे सेमी परमेबल का आ गया, बट उसका लेटरल वेरिएशन जो होता है, लेटरली वो नहीं जा पाता है, लेटरल वेरिएशन नहीं होता है। इसी ये लेटरल वेरिएशन ही हमारी हेल्प करता है यील्ड में, जब हम पानी को निकालते हैं तो वो यील्ड में करता है। कैसे, क्योंकि जब आप पानी निकालते हैं तो उसकी साइड से पानी आना भी चाहिए उसके अंदर, तो वो लेटरल वेरिएशन लेटरल पेनिट्रेशन नहीं होता है, लेटरल साइड से पानी नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पे हमारा वो यील्डिंग नहीं हो पाती है, बट उसमें पानी रहता है। अब कुछ में क्या होता है, पानी ही नहीं रहता है, जिसको आप एक्वीक्लूड कहते हैं। तो एक्वीटार्ड में क्या है, पानी है भी और नहीं भी, पानी उसमें है बट वो आप निकाल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे सेमी परमेबल यूज किया गया। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन को आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्वीटार्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेडिमेंटोलॉजी से रिलेटेड बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपका सेन गुप्ता है, सेन गुप्ता की बुक बताइए, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सैंडस्टोन है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें से आपको आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ मैं थोड़ा डिटेल में लिखने की कोशिश की कि जो डॉट थे 1964 में, उन्होंने सैंडस्टोन क्लासिफिकेशन की थी, उन्होंने गिल्बर्ट क्लासिफिकेशन फॉग क्लासिफिकेशन दोनों को कंबाइन किया था। आपको पता है गिल्बर्ट क्लासिफिकेशन क्या है, ये सिलिकेट सैंडस्टोन से रिलेटेड है, और यहाँ पे जो फॉग का फॉग क्लासिफिकेशन क्या है, ये डल टेक्सचर एंड जो मैट्रिक्स होती है उसके कॉन्सेप्ट पे फॉग ने क्लासिफाई किया था। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसको उन दोनों को कंबाइन करके क्लासिफिकेशन दोनों देने की कोशिश की, डॉट क्लासिफिकेशन या फॉग क्लासिफिकेशन, कुछ भी पढ़िए, बस आपको पढ़ना है कि सैंडस्टोन को कैसे क्लासिफाई करते हैं, हम उसी को देखते हैं यहाँ पे बैठ के। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे हुई है, यहाँ पे मैट्रिक्स के बेसिस पे हुई है, और जो आपका कंटेंट है आपका उसके बेसिस पे हुई है, कि जो ग्रेन साइज होता है उसके बेसिस पे है। तो हमको अभी जो क्वेश्चन दिया वो मैट्रिक्स के बेस पे दिया, कि अगर 15% से कम मैट्रिक्स होगा तो उसको आप एरेनाइट बोलते हैं, जब 50% ज्यादा होता है तो आप उसको बेग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन तो एरेनाइट हो गया, बट उसमें भी जो क्लासिफिकेशन हो गया, अभी एरेनाइट को भी आप बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आप क्वार्ट्ज एरेनाइट हो गया। अभी कैसे आता है, जो आपने चार्ट देखा तो जो ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, अगर यहाँ पे आप देखते हैं ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस बेसिस पे भी क्लासिफाई करते हैं, जैसे आपका आर्कोज हो गया, लिथिक हो गया, यहाँ पे आपका क्वार्ट्ज एरेनाइट हो गया, उसी तरह आपका वेग को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, क्वार्ट्ज वेग हो गया, इस तरह का कर सकते हो। ये जो टेबल है, ये जो चार्ट है, इसको आप रट लीजिए, याद कर लिए, समझ लीजिए, जैसे भी करना कर लिए, उससे एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। तो कुछ कुछ मोटी मोटी चीजें तो आपको पता ही होना चाहिए, ये नहीं कि आप पढ़ने बैठे हैं तो पूरा चैप्टर ही एकदम से रट मतलब समझ के ही निकलेंगे, चाहे आपके उसका यूज हो कि ना हो। देखिए पढ़ाई मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि आपको 3 फोल्ड होनी चाहिए, 3 तरीके से होनी चाहिए। एक नॉलेज बेस्ड होनी चाहिए, जिससे आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एक आपका जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, जो आपको एग्जाम क्लियर करने के लिए, जब तक एग्जाम नहीं क्लियर करेंगे आप
कोई भी कंपटीशन एग्जाम में एडमिशन नहीं ले सकते, जो प्री रिक्विजाइट होती है वो होना जरूरी है। एक होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हम जेम की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन से क्वेश्चंस आने हैं उसको हमें देखना है, गेट की तैयारी कर रहे हैं तो कौन कौन से क्वेश्चंस आने हैं उसको देखना है, बट वो जो है वो थर्ड स्टेप है। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, बट अभी क्या है कि आपको एग्जाम भी क्लियर करना है। अब आप कॉन्सेप्ट करने का टाइम था हमारे पास, बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, नहीं किया कोई बात नहीं, वो अभी हम टाइम मिलेगा वो हम करेंगे, बट अभी मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हमें जेम का एग्जाम क्लियर करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डिपॉजिट फॉर्म एक्सक्लूसिव बाय सरफेस जियोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब जो सरफेस पे एक्टिविटीज होती है जैसे वेदरिंग हो गया, डेनोट्रेशन, उससे जो हमारा मिनरल बनता है उसको हम यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है। अगर आप सबको मालूम है कि बॉक्साइट जो है सफ्रेशन है वो करते हैं, और बाकी सारे के सारे जो है आपके ये आपके मेटामॉर्फिक एक्टिविटी से बनता है, तो हमारा ऑप्शन तो हो गया बॉक्साइट, बट हम एक एक करके सब देख लेते हैं कि वोलस्टोनाइट क्या होता है। ये आपका थर्मल मेटामॉर्फिन से बनता है फ्रॉम लाइमस्टोन से, एस्बेस्टस जो है आपकी बहुत ही एनवायरमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, ये भी मेटामॉर्फिज्म से बनता है आपका, और ये आपका कोरंडम, कोरंडम तो एम्फीबोलाइट ग्रेनाइट फेसिस में ही पाया जाता है जिसको टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा होता है। और ये आप ये समझिए कि यहाँ पे बहुत अच्छा लिंक है, हमारा हिंदुस्तानी होने का थोड़ा सा अच्छा लगता है, फील आता है। यहाँ पे जो कोरंडम वर्ड है ये आपके संस्कृत के वर्ड से लिया गया है, तमिल द्रविड़ियन टाइप का वर्ड है, इसको कुरुंदम भी बोलते हैं जिसको रिव्यू सफायर होता है, तो ये संस्कृत का कुरुविंदा से लिया गया है। तो इससे भी आप देखिए ये कोरंडम याद कर, आप देखिए कोरंडम आप कभी नहीं बोलेंगे, अगर आपको अब कोरंडम के बारे में बोला जाएगा तो ये एम्फीबोलाइट ग्रेनाइट फेसिस में पाया जाता है जो वर्ड है कोरंडम, ये कहाँ से आया है, ये संस्कृत के वर्ड से आया है कुरुविंदा से, और तमिल द्रविड़ियन वर्ड भी जो है उसका कुरुंदम वहां से लिया गया है। तो अब ये आपको मेरे ख्याल से याद होना चाहिए क्योंकि इसके साथ कुछ एक स्पेशल अटैचमेंट टाइप का अपना हो गया है, जैसे कि मैंने आपको बॉक्साइट बताया, बॉक्साइट वेदरिंग एंड इनंडेशन एक्टिविटी से बनता है, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन जो होगा बॉक्साइट हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिक टेक्सचर इज इंडिकेटिव ऑफ, देखिए कोई भी टेक्सचर होता है वो कोई ना कोई एक्टिविटी से बनता है। एक्टिविटी जब मैग्मा की हम बात करते हैं तो मैग्मा की बहुत तरह की एक्टिविटी होती है, तो कुछ एक्टिविटी कुछ कुछ टेक्सचर्स को जन्म देती हैं या उनको फॉर्मेशन करती हैं, तो आपको वो कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए कि ग्राफिक टेक्सचर क्या होता है कि और भी फिनिक्स टेक्सचर क्या होता है, तो जब वो पता होगा तो उसके अकॉर्डिंगली किस एक्टिविटी में क्या हो रहा है तो आप टेक्सचर के बारे में बता पाएंगे। चलिए आप देखिए पहले समझ लीजिए कि ग्राफिक टेक्सचर होता क्या है। ग्राफिक टेक्सचर इग्नियस रॉक टेक्सचर होता है जिसमें कि इंटरग्रोथ ऑफ टू मिनरल्स का इंटरग्रोथ होता है, ये समझ लीजिए मतलब दो मिनरल है उसमें इंटरग्रोथ हो गया, हैज अपीयरेंस ऑफ रूनिक राइटिंग। यूनिक राइटिंग एक टाइप की राइटिंग होती है जो पढ़ने में नहीं आती, एंशियंट राइटिंग और रूनिक राइटिंग होता है जो आपको पढ़ने आती है बहुत माइंड में ये अगर ये टैबलेट ले तो इस तरीके से कुछ होता है, तो इस तरह की राइटिंग को हम रूनिंग राइटिंग कहते हैं। तो अब हमको ये देखना है कि यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टल सेटिंग, फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन, मैग्मा मिक्सिंग किसमें इस तरह का होता है कि जिसमें दो मिनरल आपस में मिलते हैं उनका इंटरग्रोथ होता है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हम क्या देखते हैं कि पैटर्न इंटरग्रोथ ऑफ टू और मोर मिनरल, मतलब इसमें दो एक से ज्यादा मिनरल्स का इंटरग्रोथ होता है, तो यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। फिर हम देख लेते हैं क्रिस्टल सेटिंग। क्रिस्टल सेटिंग क्या होता है, जब मैग्मा चैम्बर होता है उसमें जो कोई भी क्रिस्टल बनता है उसकी जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो तो फिर से सेटल्ड हो जाता है, तो उसको हम क्रिस्टल सेटिंग कहते हैं, एक्यूमुलेशन होता है वहाँ पे। अब यहाँ पे फ्रैक्शन क्रिस्टलाइजेशन, सबको पता है कि जो हमारे जो मिनरल्स बनते हैं अगर आप फर्स्ट पार्ट सीरीज ले लें तो वो सारे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से बनता है। और मैग्मा मिक्सिंग तो बहुत बड़ा वर्ड है, यहाँ तो मैग्मा की बात करें, यहाँ मिनरल की बात नहीं हो रही, दो से ज़्यादा मैग्मा आप में मिलते हैं और आपस में रिएक्टिविटी होती है तो वो मैग्मा मिक्सिंग कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा यूटेक्टिक क्रिस्टलाइजेशन होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मिनरोलॉजी क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको रिफर करूंगा कि आप क्लेन की बुक जो है वो उठा लें और उसका एक एक पेज आराम से पढ़ें, तब आपको समझ में आएगा। और अगर उसमें हम क्या कर सकते हैं कि स्टार्टिंग विथ ट्राइगोनल, फिर टेट्रागोनल, क्यूबिक, उसके जो फिगर्स है उस फिगर्स को अपने बोर्ड पे जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका लें और देखते रहे कि कौन सा फॉर्म किस 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 में है, और थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करें। अगर कोई ट्रिक एंड टिप्स है तो मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ और वो ट्रिक्स ज़्यादा लोगों तक फैल जाए। अब यहाँ पे समझिए कि मैंने क्या किया है कि यहाँ पे आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ आइसोमेट्रिक सिस्टम। आइसोमेट्रिक में जितने भी क्रिस्टल फॉर्म होते हैं मैंने वहाँ सारे के सारे लिखने की कोशिश की, मुझे 11 ही मिले, अगर आपके पास और ज्यादा हो और कहीं से आपको मिल जाए तो वो मुझे बता दें। तो ये 11 फॉर्म लिख दिए हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में मुझको टेट्राहेड्रॉन मिल गया है,
और ट्रेपेजॉन मिल जाए ऑक्टेड्रल, इसका मतलब ये जो ऑप्शंस हैं ये हमारे ऑसमेटिक सिस्टम में पाए जाते तो ये तो ऑप्शन नहीं होंगे। रोमबोड्रल ऑप्शन हो गया, ये आपका रोमबोड्रल कहाँ पाया जाता है, ये आपका हेक्सागोनल सिस्टम में पाया जाता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि पहले मोटा मोटा आप याद कर लिए, क्लेन की बुक उठाइए, उसमें से ये आप ये जो फिगर है क्लेन की बुक से लिया गया है, वहाँ पे आप देखिए कि हेक्सागोनल में किसने कितना क्रिस्टल फॉर्म है, उसको नोट डाउन कर लिए, उसको याद करने की कोशिश कीजिए। और सारे के सारे देख रहे हैं कि प्रिज्म हो गया, पिरामिड हो गया, पिरामिड एंड प्रिज्म, ये सब के सारे आपको इन जनरल मिल जाएंगे और इनको याद करने का तरीका भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री की भी बुक पढ़ते हैं 11th 12th की, तो उसमें भी क्रिस्टल फॉर्म दिया गया थोड़ा बहुत, तो पहले आप उससे स्टार्ट करिए। और ये टोटली मतलब याद करने का बेस्ड है, आपकी मेमोरी कितने कितना आप याद कर पाते हैं। तो इस फिगर को अपने ही बुक वहाँ पे बुक क्या कहते हैं जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे चिपका के रखिए तो ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द फॉसिल बिकम एक्सटिंक्ट एट द परमो ट्राइसिक बाउंड्री, मतलब परमियन ट्राइसिक बाउंड्री के बीच में कौन कौन से मिनरल्स हमारे एक्सटिंक्ट हो गए थे, हम उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्या पहला ऑप्शन क्या दिया गया हमको, ग्रेप्टोलाइट। ग्रेप्टोलाइट क्या है, आपके ये मिडिल कैम्ब्रियन थ्रू लोअर कार्बोनिफेरस तक पाए गए थे, उसके बाद आपको ट्राइलोबाइट है, फिर अमोनाइट है, फिर एडियाकारन है, एडियाकारन। अब देखिए यहाँ पे हम ट्राइलोबाइट की बात करें तो ट्राइलोबाइट जो हमारा है, ट्राइलोबाइट में बीच में कम हुआ और एक टाइम में बहुत ज्यादा हो गया, फिर फाइनली एक्सटिंक्ट हो गया। तो जो एक्सटिंक्ट की एज उसकी दी जाती है वो परमियन अबाउट 252 मिलियन ईयर्स दिया जाता है, तो परमोट्राइसिक बाउंड्री टाइप का हो गया, तो हमारा ऑप्शन तो ट्राइलोबाइट होगा। फिर अमोनाइट कब से कब तक थे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका डेनियन इपोक ऑफ द पैलियोसीन, यहाँ पे शॉर्टली आफ्टर ड्यूरिंग द तो पैलियोसीन में जाके खत्म हुए हैं। और ये जो आपका पीरियड है एडियाकारन, एडियाकारन एक बहुत छोटा सा आपका टाइम एज है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रोटोजोइक में, न्यू प्रोटोजोइक में यहाँ पे आपका तीन पार्ट में डिवाइड किया गया इसको, टोनियन, क्राइजुनियन एंड एडियाकारन। तो ये आपका जो है ये प्रोटोजोइक का है, तो ये बहुत नीचे है, और इसमें जो बायोटा, इसमें जो फॉसिल पाए जाते हैं उसको एडियाकारन बायोटा बोला जाता है, जो कि आपकी जिसकी एज आपकी 635 to 541 है। तो ये तो आपका प्रोटोजोइक हो गया, तो ये तो परमोट्राइसिक में आया नहीं। ग्रेप्टोलाइट का भी मैंने आपको बता दिया कार्बोनिफेरस तक था, उसके बाद आपका अमोनाइट का भी बता दिया आपका पैलियोसीन का था, तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो ट्राइलोबाइट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉसिल एक्सटिंक्ट कब, क्योंकि एज स्टार्ट कब हुई और कब आपके वो दुनिया से चले गए और उनका नामो निशान मिट गया। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जैसे ग्रेप्टोलाइट और ट्राइलोबाइट चार तो यहीं पे लिखे हुए, इसी तरह और आप देखिए और भी जो जैब में क्वेश्चन आए या गेट में क्वेश्चन आए उसका एक लिस्ट बना लिए कि इस तरह के पूछे क्वेश्चन जाते हैं जिसमें इस फॉसिल के बारे में डिस्कस किया गया, वो सारों को जब आप बना लेंगे तो कम से कम उतना तो आपको याद रहेगा, और उसके बाद फिर टाइम बचता है तो हम और भी ज्यादा याद करने की कोशिश करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग ग्रेनिटोइड बॉडीज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एज, मतलब सबसे लेटेस्ट वाली सबसे बाद में आएगी, जो सबसे पुरानी होगी वो सबसे पहले आएगी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन हमारा एरिनपुरा ग्रेनाइट है, क्लोस्पिस ग्रेनाइट, सिंगभूम, लद्दाख ग्रेनाइट, ग्रेनाइटॉइड। अब लद्दाख तो सबसे लेटेस्ट हो गया, आपको पता है सभी लद्दाख जाना चाहते हैं, मोटर बाइक उठाइए और निकलने जाइए, सभी का सपना होता है, बहुत बहुत कम लोग जा पाते हैं, क्यों ठीक है। तो लद्दाख हमारा ऑप्शन जो होगा जो सबसे लास्ट में आना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा क्या हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, आर है इसमें, आर है, तो ये वाला ऑप्शन हमको याद करने की जरूरत नहीं ना। अब हमको जो फाइट करनी है इन दोनों के बारे में अगर हमको पता हो तो हम अपना आंसर लगा लेंगे, एरनपुरा ग्रेनाइट एंड क्लोस्पिस ग्रेनाइट। तो इनकी एज क्या है ये हमें देखना है, तो पहले तो हम देख लेते हैं यहाँ पे एरनपुरा ग्रेनाइट की एज क्या है, ये 740 मिलियन ईयर्स है जो न्यू प्रोटोजोइक एज में पाया जाता है। अगर क्लोस्पिस ग्रेनाइट इससे बाद में आया है, मतलब वो थोड़ा सा यंगेस्ट है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला ए हो जाएगा। अगर क्लोस्पिस ग्रेनाइट की एज ज्यादा होगी तो हमारा ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। तो क्लोस्पिस ग्रेनाइट आर्कियन प्रोटोजोइक टाइप का, इसकी एज बहुत ज्यादा है, तो हमारा ऑप्शन सी रहेगा। यहाँ पे तो हमने ऑप्शन लगा लिया, चलिए अब हम तो सिंगभूम ग्रेनाइट की भी बात कर लेते हैं। लद्दाख की सिंगभूम ग्रेनाइट 3000 बहुत ही ज्यादा ओल्ड है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आर यहाँ पे दिया ही था कि मतलब जो भी ओरोजोनी हुई है, बेसिकली ये जब ओरोजोनी हुई है तो उसमें आपका ये सारे के सारे ग्रेनाइट हो गए या इम्प्लेसमेंट हुआ है, तो वो ओरिजिनल आप याद कर लेते हैं तो ये आप आसानी से लगा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, आर पी एन एस, जो कि हमारा है सी आंसर। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रैकियोपॉड जनरल इज कंसिडर्ड एज लिविंग फॉसिल। अभी हमने एक देखा था ट्राइलोबाइट वाला, उसमें कि उसमें वो दिखा रहे थे कि कब एक्सटिंक्ट हुए। अब यहाँ पे क्या है कि लिविंग फॉसिल्स की बात कर रहे हैं। अब भाई लिविंग फॉसिल्स क्या होता है, फॉसिल्स भी बोल रहे हैं लिविंग भी बोल रहे हैं, ये तो बड़ा अजीब सा वर्ड है।
तो इसके बारे में क्या पता, पर पहले मैं इसका ऑप्शन आपको बता दूं, ये आपको सिर्फ याद करना है। अगर आप कोई भी पैलेंटोलॉजी की बुक उठाई दे, चाहे रॉब की हो गई, चाहे आप अमलदास गुप्ता सर की बुक हो गई, तो किसी की बुक देते हो, उसमें साफ साफ ये लिखा है कि दिन आर्टिकुलेट लिंगुएला इज ऑफन कॉल्ड लिविंग फॉसिल एज वेरी सिमिलर जेनरा हैव बीन फाउंड ऑल द वे बैक टू द ऑर्डोविसियन। कहने का मतलब है कि एक समझ ले कि जुड़वा है, जुड़वा नहीं कह सकते कि एक तरह से दिखते हैं, मॉर्फोलॉजी सेम है, हरकतें सेम है, तो उस तरीके के फॉसिल्स को जो कि ऑलरेडी एक्सटेंट हो चुके हैं बट आज भी पाए जाते हैं, ऐसा समझिए कि आज जो चीज है वो पहले रही होगी बट सेम सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो उसको हम लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। लिविंग फॉसिल्स के कुछ कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जनरली एक और दो पाए जाते हैं और किसी किसी में तीन भी पाया जाता है। तो क्या क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर मेंबर ऑफ टैक्सोन, टैक्सोन बायोलॉजिकल वर्ड है, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, दैट हैव रिमेनिंग रिकॉग्नाइज्ड इन द फॉसिल रिकॉर्ड ओवर एन अनयूजुअल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जैसे हमने आपको बताया कि पहले एक्सटिंक्ट हो गए हैं बट आज भी जो पाए जाते हैं तो उसमें उनको कह सकते हैं उनके पूर्वज थे, तो पूर्वज टाइप का हिसाब है, इसीलिए उनको लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं। दे शो लिटिल मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, यहाँ पे देखिए लिखा है लिटिल मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्जेंस, मतलब बहुत कम ही डाइवर्जेंस दिखाते हैं मॉर्फोलॉजी से, ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं वेदर फ्रॉम अर्ली मेंबर ऑफ द लिनेज और अमॉन्ग एक्सटेंट स्पीसीज। अब यहाँ पे देखिए दो बायोलॉजी का वर्ड आया, एक टैक्सोन आया है और एक एक्सटेंट स्पीसीज आया, उन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। देखिए टैक्सोन क्या होता है, इन बायोलॉजी अ टैक्सोन इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब एक से ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन होते हैं उनको हम टैक्सोनॉमी यूनिट में एक फॉर्म में बना देते हैं, एक यूनिट में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम टैक्सोन बोलते हैं। ये बायोलॉजिकल वर्ड है, इसमें ज्यादा पढ़ने नहीं है। अब एक्सटेंट स्पीसीज देखिए, एक वर्ड होता है एक्सटेंट जो कि हम जानते हैं, ये आपका लिविंग फॉसिल जो एक्सटेंट हो गया, जो चले गए अभी नहीं है, उसको हम एक्सटेंट बोलते हैं। एक्सटेंट एक्सटेंट का मतलब होता है जो अभी भी पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अभी भी मौजूद हैं उनको हम एक्सटेंट बोलते हैं। जिस तरह हमारे पैलेंटोलॉजी होता है उसी तरह न्यूंटोलॉजी होता है। न्यूंटोलॉजी क्या होता है, इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी ब्रांच दैट इन कॉन्ट्रास्ट टू पैलेंटोलॉजी डील विद लिग्विन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब आज जो पाए जाते हैं उनकी स्टडी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पैलेंटोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, जो पास में जो एनिमल्स थे उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। मोर जनरली रिसेंट ऑर्गेनिज्म, इट इज द स्टडी ऑफ द एक्सटेंट एक्स्ट्रा विद मेंबर स्टिल अलाइव, अभी भी जिंदा है, एज अपोज टू ऑल बींग एक्सटिंक्ट, जिसे पैलेंटोलॉजी में होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मूज होता है, बत्तख की तरह एक एनिमल दिखता है, मूज जो होता है वो अभी भी जिंदा है जबकि उसकी एक स्पीसीज है डोडो जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है। मोलस्का में भी आपने देखा होगा, मोलस्का में जो सिफलोपॉड है 1987 देयर वर अप्रोक्सीमेटली 600 एक्सटेंट स्पीसीज, 600 स्पीसीज मौजूद थी जबकि 7,500 एक्सटेंट हो चुकी थी। तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस करने की, क्योंकि कभी कभी एक्सटेंट स्पीसीज टैक्सोन थोड़ा बहुत पूछा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म आप समझ लिए कि जो अभी भी पाए जा रहे हैं और पहले भी पाए जाते थे वहां पे एक्सटेंट हो गए तो अभी भी मिलते हैं, तो इसी तरह के है। तो हमारा ऑप्शन तो लिंगुएला हो गया, एकदम सिंपल सा था, क्योंकि पैलेंटोलॉजी में थोड़ा थोड़ा आपको याद करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा रटना पड़ता है। और अगर आपके पास कोई और कॉन्सेप्ट है उसको याद करने के, तो शेयर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, सबको ज्ञान बांटिए ताकि सभी का फायदा हो। कि ये टॉपिक हमारा खत्म होता है, हमने 10 क्वेश्चन लगा लिए। मेरी फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई अब स्टार्ट कर दीजिए, मेरी भी कोशिश रहेगी कि आपसे इंटरेक्शन रहे, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि सैटरडे को 8 से 9 के बीच में आपके साथ इंटरेक्शन किया जाए, लाइव सेशन थोड़ा सा किया जाए, उससे आपके क्वेश्चन आंसर किया जाए। बट मैं ये चाहता हूँ कि इसमें टाइम किसी का वेस्ट ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। हम लोग क्या करते हैं कि आज के टाइम में जो हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क है, इतना ज़्यादा हम उसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं कि हम फिर उसके बाद ये सोचने में और टाइम वेस्ट कर सकते हैं कि हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर दीजिए। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है उसको जाने दीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, बट जो चीज़ आती है उसको तो ख़त्म कर दीजिए जल्दी से जल्दी। तो ये लेक्चर अभी यहीं तक के लिए। आपको कोई भी दिक्कत होती है, कुछ भी होता है, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी आप फॉलो करिए। फॉलो करने का मतलब आपको आपका रिजल्ट मिलना चाहिए, आपको फ़ायदा होना चाहिए, चाहे वो जैसे हो, चाहे वो जैसे आप मुझको अप्रोच करिए, आपके ऊपर है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, और मैं जब ऑनलाइन हूँ, लाइव हूँ, तो भी आपको पता चल जाए। इंस्टाग्राम पे भी मैं कोशिश करूँगा लाइव हो, ताकि आपको आपसे इंटरेक्शन हो सके, आपसे ज़्यादा बात हो सके। थैंक यू, गुड बाय।